बीएससी सेकेंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट सेकेंड में एल्कोहल और फिनोल वाले में चला है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फिनोल से पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन है वो कैसे बनाया जाएगा। तो इसमें आपको लिखना है कि आंसर में आंसर रहेगा कि इसमें जब फिनोल के रासायनिक फिनोल से बनाना है और ये बनाना है, तो इसमें फिनोल की रिएक्शन किससे करवाई जाएगी, डाई एजोनियम साल्ट से करवानी है। डाई एजोनियम बेंजीन क्लोराइड बनेगा, साल्ट है यहाँ पे, डाई एजोनियम बेंजीन साल्ट। इससे आप रिएक्शन करवाओगे फिनोल की तो क्या बनता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन होता है आपसे होता है मैकेनिज्म देखे तो लिखना गया। थ्योरी में एक नंबर आया हुआ क्वेश्चन है कि जब फिनोल की रासायनिक अभिक्रिया डाई एजोनियम साल्ट से करवाते हैं, डाई एजोनियम साल्ट लेना आपको डाई एजोनियम बेंजीन राइट, इसके साथ में रिएक्शन करवाई जाती है तो पैरा हाइड्रोक्सी है जो बेंजीन हो प्राप्त होते हैं। देखिए फिनोल लिया जाए, इसमें सबसे पहले फिनोल डाइएजोनियम क्लोराइड इस प्रकार से Cl नेगेटिव N2, ये आपका डाइएजोनियम साल्ट पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बनाना है आपको। देखिए इसमें से आपको क्या कर देना है, HCl निकाल देना है, यानी यहाँ से जो हाइड्रोजन परमाणु है उसको निकालोगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, इसको आप खोल के लिखोगे तो ये ऐसे आते हैं, लिखा हो तो ये ऐसे है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, लेकिन ये होता कैसे, N2 पॉजिटिव को आप कैसे लिख सकते हो, N ये होता है, इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो आप ऐसे करो तो इसके ऊपर Cl ये पास में जुड़ा हुआ है, इसको ऐसे करके देखो तो ये ऐसे इस प्रकार से बना हुआ है, ऐसे ही मान लेंगे। अब क्या करोगे, ये वाला बॉन्ड जब यहाँ पे आगे ऐसे टूटेगा तो इस नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन में पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, HCl ग्रुप में निकलेंगे, इस नाइट्रोजन पे जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया है वो आके इस नेगेटिव वाले से, यानी ये फिनोल है, ये डाइएजोनियम बेंजीन क्लोराइड है, ये नाइट्रोजन इससे जुड़ेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे HO, और इसके साथ में जुड़ा हुआ है ये, यहाँ पे ये नाइट्रोजन डबल बोन नाइट्रोजन, ये है पैरा हाइड्रोक्सी, यानी ये इसके कंपेरिजन में देखें तो ये पैरा पे जुड़ा हुआ है OH, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, इसको नाम होता है एजो और ये क्या है बेंजीन, इसका नाम रहेगा आपके पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ये बनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है फिनोल से पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन कैसे बनाएंगे, तो जब फिनोल की रासायनिक अभिक्रिया डाइएजोनियम साल्ट के रूप में डाइएजोनियम बेंजीन क्लोराइड से करवाई जाती है तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन का फॉर्मेशन या निर्माण यहाँ पे हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में आपको रिएक्शन दी हुई है, हम रिएक्शंस को कंप्लीट करना है, ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, दो रिएक्शन दी हुई है उनको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन है इसमें कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, देखिए इसमें फर्स्ट रिएक्शन कौन सी दी हुई है, फर्स्ट रिएक्शन दी हुई है आपको यहाँ पे ऐसे दिया हुआ था CWH, खोल के लिख लिया उसको C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपको दिया हुआ है एरो के ऊपर NaOH प्लस में CaO, ये लिख के आपको दिया हुआ है गर्म कर लो इसको, तो ये ऐसे दी हुई थी फर्स्ट क्वेश्चन, दो रिएक्शन थी इसमें, फर्स्ट ये ठीक है, ये है यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड, जहाँ में लिखा हुआ नहीं देगा ये सैलिसिलिक एसिड है, ये है यहाँ पे सोडा लाइम,
सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन सुडोलाइन, ये जहाँ भी आता है एरो के ऊपर उसमें हमेशा ही क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन होता है, डी कार्बोक्सिलेशन होता है। ठीक है, जहाँ भी कोई भी रिएक्टेंट लिखा हुआ हो उसके साथ एरो के ऊपर सोडालाइन यानी NaOH प्लस में CO लिख के ये गर्म करना दिया हुआ होता है, वहाँ पे हमेशा ही डी कार्बोक्सिलेशन होता है। डी कार्बोक्सिलेशन में CO2 गैस है वो इसमें बाहर निकलती है। देखिए इसमें CO2 गैस कहाँ से बाहर निकलती है, इसका यूज करते हुए इसमें बनाते हो तो क्या बन रहा है, इसमें NaOH ऐसे लिखा जाएगा, NaOH प्लस में क्या आता है इसमें CA डबल बॉन्ड O, ये बन गया। इसमें इसके दो मॉलिक्यूल काम में आते हैं, इसमें क्या होगा दोनों मॉलिक्यूल ब्रेक हो गए यहाँ से, यानी यहाँ से ये हाइड्रोजन को हमने बाहर निकाल दिया, यहाँ से क्या बनेगा एन ए और नेगेटिव, दूसरा भी क्या है एन ए और नेगेटिव, यहाँ पे एक बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये इसके पास जाएगा तो ये बॉन्ड नहीं टूटे, ये वाला देखो इसके ऊपर क्या है ऑक्सीजन है, इसके ऊपर क्या रहेंगे लोन पे रहेंगे, इससे देखोगे तो ये वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव के रूप में इस पे जाएगा तो क्या बनेगा सी ए और हाइड्रोजन, और इस पे चार्ज क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखें तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, क्या बनेगा इसमें कैल्शियम OH और यहाँ पे इसके ऊपर क्या लोन पे है, इसके ऊपर इस बॉन्ड के ऐसे टूटने से इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव के साथ में ये एक एच पॉजिटिव, यहाँ से एक और एच पॉजिटिव है और हमने इसके साथ में ऐड किया इसके अंदर यहाँ तक आ गया। अब दूर इसके साथ में और आगे आगे क्या जुड़ेगा, दो NaOH थे एक को हमने ऐसे तोड़ लेते हैं NaO नेगेटिव प्लस में एच पॉजिटिव, यही एच पॉजिटिव यहाँ पे इसके पास गया था आगे जाके यहाँ तक आ गया, दूसरा जो NaOH था उसको हमने ऐसे तोड़ लिया Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, अब ये OH नेगेटिव जाएगा इसके पास में तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा कैल्शियम, एक OH था एक OH ये आके जुड़ गया ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH बन गया, यहाँ पे एक तो बच गया ये वाला NaO नेगेटिव और एक बन गया Na पॉजिटिव, ये जो दो NaOH के मॉलिक्यूल थे इस प्रकार से ब्रेक किए गए थे, एक को यहाँ से ब्रेक किया था NaO नेगेटिव H पॉजिटिव, एक को यहाँ से ब्रेक किया था Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, अब बना गया देखें, अब इसमें दो बच गए, एक तो ये बच गया NaO नेगेटिव और एक यहाँ पे लिख दिया Na पॉजिटिव, ये बच गए इसमें दो, यहाँ से देखें ये वाला बॉन्ड यहाँ जाए और ये वाला बॉन्ड यहाँ जाए, इस कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगी, इसके आने से जो नेगेटिव आया था वो इसके आने से न्यूट्रल हो गया, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव जाएगा इस कार्बन नेगेटिव के पास में, यहाँ पे क्या बनेगा यहाँ बन रहा था मैं यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ पे OH है और यहाँ पे H आगे जुड़ गया, इसमें इतनी जुटती हुई नहीं है ये पे बन गया, तो ये क्या बन रहा है आपका डबल बन गया। ठीक है, अब CO2 निकल के गया ना, ये CO2 यहाँ पे रख दो आप, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, आप इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर दो, इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन नेगेटिव से जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, नेगेटिव इस Na पॉजिटिव जुड़ेगा तो क्या बनेगा इसमें एन ई ओ सी डबल बॉन्ड ओ ओ एन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन ए टू CO3, लिख सकते ना Na2CO3, इसका नाम दिया है यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब ये ज्यादा ही होगी, इसमें आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हो, इतना बड़ा नहीं करो, तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये लिखा हुआ है एरो के ऊपर तो आप क्या करोगे सीधा ये करना है, यहाँ से डायरेक्ट इसको लिखते ही क्या बनेगा यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे OH फिनोल प्लस में CO2 बाहर निकल जाएगी, CO2 आगे जाके इस रिएक्शन कर लेगी, आपको क्या मिलेगा फिनोल, यानी इस रिएक्शन के प्रोडक्ट बनेंगे फिनोल और साथ में CO2, वैसे कंप्लीट मैकेनिज्म रिएक्शन तो यही बनेगी, इसमें प्रोडक्ट एक तो ये रहेगा CaOH ट्वाइस NaOH के दो मॉलिक्यूल लेने हैं, एक बनेगा Na2CO3, एक तो ये है इसका प्रोडक्ट, एक इस ये है, एक ये फिनोल है, CO2 इनके साथ पे जाके जुड़ गई है।
ये रहेगी आपकी कंप्लीट रिएक्शन वाले में, ये एक डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का एक टाइप है, इथेनॉल बनाने का ये एक मेथड है। सेकंड रिएक्शन देखिए इसकी, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में जो सेकंड रिएक्शन आई हुई है वो देखें, इंजेक्शन ही आएगी इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो ये क्या है, बेंजीन, पीछे में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड था, ये बेंजीन डाइजोनियम सल्फेट, बेंजीन डाइजोनियम सल्फेट, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन, इसकी वजह से नाम लेते हैं इसका डाइजोनियम, इसके लिए लिखेंगे इसका नाम सल्फेट। ये ब्रेक होते हैं एच पॉजिटिव OH नेगेटिव में, तो ये एच पॉजिटिव जाएगा इसके साथ में, तो क्या बनेगा H2SO4 प्लस में, ये वाला बॉन्ड जब ऐसे ब्रेक होगा नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन निकल जाएगी N2। इस बॉन्ड के ऐसे ब्रेक होने से इसका पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएगा, इस पे कोई चार्ज नहीं रहेगा क्योंकि इस साइड इसका ही बॉन्ड था, चाहे ये इस साइड बने N2 निकल गई, इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव के साथ में ये OH नेगेटिव आगे जुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा फिनोल बन जाएगा, तो ये बनेगा OH, इसका नाम रहेगा फिनोल, तो ये भी एक फिनोल बनाने का मेथड है। जब बाई बेंजीन डाइजोनियम सल्फेट की रिएक्शन H2 के साथ में करवाई जाती है तो यहाँ प्रोडक्ट के रूप में फिनोल बनता है और सल्फ्यूरिक एसिड और N2 वहाँ पे बाहर निकल जाते हैं। ये रहेगी इसमें कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शन की सेकेंड रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको सॉल्ट नोट्स लिखने हैं, तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन पे एक हाइड्रोबोरेशन पे, नेक्स्ट जो चार नंबर पे क्वेश्चन आया हुआ है उसमें आपका लिखा हुआ है, एक नंबर पे आपको लिखना है इसमें ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डी मर्क्यूरेशन, इसके ऊपर आपको लिखना है, ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, हिंदी में नाम ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और इसका रहेगा डी मर्क्यूरीकरण, ठीक है, इसके अंदर क्या लिखना है। सबसे पहले दो स्टेप है इस सेक्शन में, पहले होता है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और दूसरा होता है डी मर्क्यूरीकरण। होता क्या है इसके अंदर, इसमें होता है आपको एल्कीन लेनी होती है, इस एल्कीन से ये दोनों प्रोसेस होने के बाद लास्ट में क्या बनता है एल्कोहल बनता है, इस प्रोसेस के द्वारा ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, इसके द्वारा एल्कीन से अल्कोहल बनता है, नहीं अल्कोहल बनाने का एक मेथड है। देखिए पहला स्टेप इसमें लिखेंगे हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन यानी ऑक्सीमर्क्यूरीकरण है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन या ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, इस रिएक्शन में देखिए क्या करना है, आप कोई भी एल्कीन ले लो, जैसे आपने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक एल्कीन है, यानी यहाँ पे हमने ले ली है प्रोपीन, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है इस स्टेप में किसी एल्कीन की रिएक्शन मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ करवानी, ये रहेगा मर्क्यूरिक एसिटेट, खोल के लिखा जाए HG और सी डबल बॉन्ड ओ CH3 और सी डबल बॉन्ड ओ CH, एल्कीन का मर्क्यूरिक एसिटेट बनेगा, तो ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, इसमें इस साइड से इसका प्लस का इफेक्ट लग रहा है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे, तो ये वाले इसकी तरफ जाएंगे, तो इस कार्बन पे नेगेटिव, नेगेटिव के साथ में जाके जुड़ेगा ये HG, तो ये HG पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, और इस कार्बन पे चार्ज करता है, इस कार्बन पे चार्ज है पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ में जुड़ेगा ये ऑक्सीजन वाला नेगेटिव जाएगा, यहाँ पे बन रहा है आपका CH3
CH इसके साथ जुड़ जाएगा ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड ऑफ CH3, और इसके साथ में जुड़ा हुआ है CH2 ये वाला, इसके साथ में यहाँ से मरकरी जुड़ेगा, मरकरी C डबल बॉन्ड ऑफ CH3, ये बनेगा इसमें अडक्ट, बीच में प्रोडक्ट बनेगा। फर्स्ट स्टेप था ऑक्सीमर्क्यूरेशन, इसमें एल्केन की रिएक्शन मर्क्यूरिक एसीटेट, यानी ये यहाँ पे है मर्क्यूरिक एसीटेट, इसके साथ में रिएक्शन करवाई जाएगी, तो ये एक अडक्ट है वहां पे प्राप्त होता है। अब करना है सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप इसका रहेगा डी मर्क्यूरेशन या डी मर्क्यूरीकरण, इसमें रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होगी इस अडक्ट से। देखें अब इसकी रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड से करवाएंगे वहां पे, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका इस प्रकार से रिडक्शन करवाना है, और सोडियम बोरोहाइड्राइड इन दोनों का यूज करते हुए यहाँ पे इसकी रिएक्शन है वो करवाई जाती है। देखिए इसमें प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, यहाँ से देखिए Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये वाला जो है ये वापिस यहाँ से टूटेगा, यहाँ से ब्रेक होगा, एक एक यहाँ से ब्रेक होता है, इसके अंदर CH3CWH होगा, यहाँ से इसमें से निकलेंगे हाइड्रोजन पॉजिटिव के रूप में, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा इसके पास में, मरकरी जैसा है वैसा का वैसा निकल जाएगा, एक तो बन जाएगा मरकरी प्लस में, यहां से ये एच पॉजिटिव इसके पास में जाएगा, तो ये बनेगा CH3CH और CH3, ये वाला बॉन्ड यहां से टूटेगा किस प्रकार से, इस प्रकार से टूटेगा, इस प्रकार से नहीं तोड़ दो, तो इसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, ये लो ये टूट गया, इस कारण में पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव के साथ में ये OH नेगेटिव चार्ज जुड़ेगा, तो इसके ऊपर OH बनेगा, यानी ये एक बन गया यहाँ पे सेकेंडरी या 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया, बन गया, बच गया क्या, ये बच गया एक तो, और एक बच गया ये वाला, दो ले लेंगे यहाँ पे NaOH, दूसरे से फिर एक OH निकलेगा वो इसके साथ जाके जुड़ेगा, तो क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड, यहाँ से एक हाइड्रोजन और निकलेगा वो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन नेगेटिव के पास जाएगा, तो यहाँ से CH3 C डबल OH ऐसा ही सेम बनेगा, तो यानी इसके दो बनेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख दिया CH3 OH, ये होता है। लास्ट में हमें क्या करना था, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन का यूज करते हुए इसमें एल्किन से दो स्टेप के अंदर एल्कोहल का फॉर्मेशन करना, तो ये बनेगा इसके अंदर एल्कोहल, ये बनेगा, प्रकार से हमने कौन सी एल्किन ली थी, एल्किन यहाँ पे हमने ली थी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक प्रकार से ये इससे ये बना है डायरेक्ट, तो इसके ऊपर H2 का एक यू करवा दें, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करके इस पे जोड़ दें हम H पॉजिटिव और इस पे जोड़ दें OH नेगेटिव, तब भी यही बना रहा है, तो कुल मिलाकर हम लास्ट में मिलेंगे कि लास्ट में इन दोनों प्रोसेस से यहाँ पे कुल मिलाकर एल्किन के अणु पर मार्कोनी काफ के नियमानुसार, नियम उधर उसमें मार्कोनी कोफ के नियमानुसार इसमें एल्किन के अणु पर जल का योग, एक प्रकार से इस रिएक्शन में दोनों स्टेप के बाद जो प्रोडक्ट बनता है और इनका जो रिएक्टेंट था उसके अंदर रिएक्टेंट में मार्कोनी काफ के नियमानुसार जल के अणु का योग होने से यहाँ पे सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन है वो हो। मार्कोनी काफ का नियम क्या होता है इसमें, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए जिस कार्बन की ईएन या डबल बॉन्ड से जुड़े हुए जिस कार्बन पे पहले से ही हाइड्रोजन ज्यादा है उसी के ऊपर हाइड्रोजन जाके जुड़ता है, तो पहले से यहाँ पे दो हाइड्रोजन थे यहाँ पे एक है, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए इस कार्बन पे पहले से दो हाइड्रोजन है तो इसके ऊपर क्या होगा, तीसरा हाइड्रोजन है वो इसी के ऊपर जाके जुड़ेगा, तो ये एच है वो इस पे जाके CH3 बना रहा है, और जो OH पार्ट है वो ये क्या ध्रुवीय है अधिक ईयर वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है या नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट है वो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कम हाइड्रोजन परमाणु वाले कार्बन पे जाकर जुड़ा है, तो इसके पास एक कार्बन परमाणु कम कार्बन परमाणु वाला, तो इसके ऊपर जाके OH है वो जुड़ गया है, तो कुल मिला के ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन के अंदर एल्किन के मॉलिक्यूल के ऊपर H2 अणु का योग है वो पूर्ण।
नेक्स्ट है इसमें चार नंबर पे हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। चार वाले का फर्स्ट पार्ट था ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन, सेकेंड पार्ट रहेगा यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन। हिंदी में इसका नाम लिखा दे तो वही रहेगा हाइड्रोबोरिक। इस रिएक्शन में आता है कि एल्किन की रासायनिक अभिक्रिया इसमें पहले करवानी होती है डाइबोरेन के साथ में। एल्किन की रिएक्शन जब डाइबोरेन के साथ में करवाई जाती है तो यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में जो कि आपको बनता है ट्राई एल्किल बोरेन, उसका आगे जल अवशोषण करवाने पे अल्कोहल का निर्माण होता है। ये भी एक प्रकार से अल्कोहल बनाने की एक प्रक्रिया है, यानी इसके अंदर भी क्या होता है एल्किन है। एल्किन की रासायनिक अभिक्रिया बोरेन के साथ में करवाएंगे और उसके बाद में उसका जल अवशोषण क्षारीय जल अवशोषण करवाया जाता है तो लास्ट में भी अल्कोहल प्राप्त होते हैं। जब एल्किन की रासायनिक अभिक्रिया डाइबोरेन के साथ करवाई जाती है तो बनता है ट्राई एल्किल बोरेन। ट्राई एल्किल बोरेन का जब आपको क्षारीय जल अपन करवाना है, यानी कि क्षार की उपस्थिति में जल अपन करवाने पे अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। देखिए इसमें रिएक्शन, यानी सबसे पहले ले लें इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक एल्किन है प्रोपीन, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवा दी डाइबोरेन B12H6 के साथ में, यहाँ पे बनेगा फर्स्ट स्टेप में 2 CH3 CH और ये बनेगा 2 और BH ये बन जाएगा। यानी एक प्रकार से इसमें दो क्या जुड़े हुए BH3 जुड़े हुए, एक BH3 बोलेंगे समझे तो BH3 में BH2 और ये H, ये बॉन्ड इस प्रकार से टूटेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। तो ये हाइड्रोजन इसके ऊपर ज्यादा जुड़ेगा और ये बोरोन वाला इसके ऊपर ज्यादा जुड़ेगा। देखें CH वाले जो CH2 और CH2 है यहाँ पे इसके साथ जोड़ दिया हमने BH2, ये फर्स्ट बन गया। अब आगे इसकी वापस रिएक्शन इसी एल्किन के साथ करनी है, इसके दोनों इस बार इसका एक ही लेंगे CH3 CH2 CH2 और BH2 ऐसे लिख दिया। इसकी रिएक्शन किसी एल्किन से करवाई जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, वापस ये बॉन्ड टूटेगा, वापस ये ऐसे सॉरी वापिस ये ऐसे जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा इसके पास जाके, फिर इससे पॉजिटिव चार्ज है इस कॉलम पे और ये बोरोन जुड़ेगा इसके साथ जाके। सेम ऐसी ऐसी एल्किन है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे क्या रहेगा BH। थर्ड स्टेप में क्या करना है अपने को, इसकी रिएक्शन आगे हम किससे करवाएंगे, वापिस प्रोपीन से करवाएंगे, एल्किन का रिएक्शन होगा उससे करवाएंगे। वापिस यहाँ से ये जो हाइड्रोजन परमाणु है वो इस प्रकार से निकलेगा, जिससे इस वाले ये ऐसे टूटेगा तो इसके ऊपर ही हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा, बोरोन इससे जाके जुड़ जाएगा। तो लास्ट वाले स्टेप में बनता है यहाँ पे CH3 CH2 CH2, तीन है इसके और ये बन गया। यही इसका हाइड्रोबोरेशन का जो एक स्टेप है उसमें ये प्रोडक्ट बनता है, इसको बोलेंगे हम ट्राई प्रोपिल। ये बन गया इसका ट्राई प्रोपिल ब्रोमिन, मतलब कि पहले एल्किन की रिएक्शन डाइबोरेन के साथ में करवाई जाती है तो एल्किन के तीन अणु काम में आते हैं और इसके साथ में क्या बनता है ट्राई एल्किल बोरेन बनता है। इस बने हुए ट्राई एल्किल बोरेन का जब किसी बेस की प्रेजेंस में वाटर हाइड्रोलाइसिस जल अपन करवाते हैं तो वहां पे एल्कोहल का फॉर्मेशन है वो हो जाता है। देखें इसमें फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो बना हुआ ट्राई प्रोपिल बोरेन है, अब इसमें अपने पता है ये प्रोपिल है, यहाँ कुछ बड़ा होता है समूह तो हम बोलते हैं इसको एल्किल ग्रुप। तो ये जो बना हुआ ट्राई प्रोपिल बोरेन है आपका CH3 CH2 CH2, इसको ओपन करके लिख लेते हैं CH2 CH3 CH2 CH2 और ये ट्राई प्रोपिल ब्रोन है। इसका NaOH अक्षार के पर देखिए इसकी रिएक्शन आपको करवानी है H2O2 के साथ में यहाँ पे, ठीक है। अक्षारीय की प्रेजेंस में इस बार H2O2 लेना है तो इससे क्या बनेंगे तीन लेंगे, एक H2O2 ऐसे होते हैं
एक ओ एच पॉजिटिव एक ओ एच नेगेटिव, तीन लिए हैं तो तीन ओ एच पॉजिटिव के बनेंगे प्लस में तीन ओ एच किसके बनेंगे, नेगेटिव के बन जाएंगे इसके अंदर। तो तीनों पे कार्बन पे क्या नेगेटिव चार्ज है, तीनों ओ एच पॉजिटिव एक एक करके टूट जाएंगे। बोरोन पे तीनों बोन टूटने से प्लस थ्री चार्ज आए तो उसके साथ में तीनों ओ एच नेगेटिव जाकर जुड़ेंगे, एक तो बन जाएगा यहाँ पे थ्री सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच, यानी यहाँ पे बन गया एक तो प्रोपिल एल्कोहल। उसके साथ में यहाँ पे क्या बनेगा बोरोन है, बोरोन के साथ में तीन ओएच जुड़ गए, बोरोन ट्राई हो हाइड्रोक्साइड। अभी कैसे वैसे तो हाइड्रोजन तीन है एस थ्री, बोरोन एक है, बी ऑप्शन कितने हैं तीन है, ये वाला एस थ्री बी ओ थ्री भी इसको हम लिख सकते हैं, एस थ्री बी ओ थ्री को मिलते हैं यहाँ पे बोरिक एसिड, एस थ्री बी ओ थ्री क्या रहेगा बोरिक एसिड, ये रहेगी इसमें हाइड्रोबोरेशन। एक प्रकार से इसमें भी क्या हो रहा है कि जब हम एल्केन की रिएक्शन डाइबोरेन के साथ में करवाते हैं तो ट्राई एल्किल बोरेन बनता है, ट्राई एल्किल बोरेन का जब हम अक्षार के प्रेजेंस में H2O2 हाइड्रोजन ऑक्साइड से जलावर्तन करवाते हैं तो यहाँ पे एल्कोहल और साथ में बोरिक एसिड प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद जो इसके बचे हुए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है इसमें यूनिट में ग्लाइकोल एथिलीन ग्लाइकोल कैसे बनता है, गिल्स पुल कैसे बनता है, इनकी फॉर्मेशन की रिएक्शन है, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना।